हेलो फ्रेंड्स, फूडीज क्रिएशन बाय कीर्ति में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और एकदम सॉफ्ट स्पंजी चोको ट्राई कलर केक। तो देखने में तो आप देख ही रहे हैं कितना अट्रैक्टिव लग रहा है यह टी टाइम केक। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम मोल्ड को ग्रीस कर लेंगे बटर या ऑयल से, फिर थोड़ा सा मैदा डालकर पूरे मोल्ड को मैदे से अच्छे से कोट कर लेंगे। और बचा हुआ जो मैदा है इसे निकाल देंगे। अब एक बोल में ड्राई इंग्रेडिएंट को छान लेंगे। यहाँ एक कप मैदा लिया है, साथ ही 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा लिया है। जब भी केक बनाएं ड्राई इंग्रेडिएंट को छानना जरूरी है। इसे छानकर अब साइड में रख देंगे। अब एक मिक्सिंग बोल लेंगे। यहाँ 100 ग्राम करीब सॉफ्ट बटर लिया है और इसे बीट करेंगे। इसे हमें कम से कम 2 मिनट तक बीट करना है। दो मिनट बीट करने के बाद 2/3 कप पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे और इसे फ्लफी होने तक बीट करेंगे। देखिए बीट करने पर यह कितना फ्लफी हो गया है और इसका कलर भी थोड़ा लाइट हो गया है। अब इसमें 1/2 कप दही ऐड करेंगे और इसे हल्के हाथ से ही मिक्स करना है, ज्यादा देर तक मिक्स नहीं करना है। साथ ही 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड करेंगे। इसके बाद ड्राई इंग्रेडिएंट को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिक्स करेंगे। मिक्स हमें हल्के हाथ से ही करना है। हाफ कप करीब दूध लिया है, इसे थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। फिर स्पैचुला से कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करेंगे। अब बैटर रेडी है। इस बैटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ये हमने 3 पार्ट्स में अपना बैटर डिवाइड कर लिया है। यहाँ मैंने 1 पार्ट में 1 टेबल स्पून लाइट कोको पाउडर मिक्स किया है, साथ ही 1 टेबल स्पून मिल्क भी ऐड किया है। अब इसे हम स्पून से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूसरे पार्ट में 1 टेबल स्पून डार्क कोको पाउडर मिक्स किया है और साथ ही 1 टेबल स्पून मिल्क ऐड किया है और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास डार्क या लाइट कोको पाउडर में से कोई भी एक हो तो आप इसकी क्वांटिटी कम या ज्यादा करके लाइट और डार्क शेड दे सकती हैं। यहाँ हमारे 3 शेड रेडी हैं। अब इन बैटर को कोन में फिल कर लेंगे।
तीनों बैटर को कोन में भरकर रेडी कर लिया है। तो सबसे पहले हम केक टिन में डार्क बैटर को डालेंगे। इसे स्पैचुला की हेल्प से एक बराबर करेंगे और फिर दो से तीन बार टैप करेंगे, जिससे इसमें जो एक्स्ट्रा एयर होगी वो निकल जाएगी। इसके बाद दूसरे लाइट शेड को डालेंगे। स्पैचुला की हेल्प से बराबर सेट करेंगे और दो से तीन बार टैप करेंगे। इसके बाद तीसरे कोन के बैटर को भी डालेंगे। इसे भी स्पैचुला की हेल्प से एक बराबर फैलाएंगे और टैप कर लेंगे। अब हमारा बैटर रेडी है बेक होने के लिए। अब इसे प्री हीटेड ओवन में 170 डिग्री पर 32-35 मिनट के लिए बेक करेंगे। तो बस इसी के साथ रेडी है हमारा बहुत ही टेस्टी और अट्रैक्टिव चोको ट्राई कलर केक। अब इसे हम ठंडा करके डीमोल्ड कर लेंगे। इसे हम बोर्ड या प्लेट पर पलटकर उल्टा कर लेंगे और इसे निकाल लेंगे। इसके हम स्लाइस कट करेंगे। तो कट करने पर देखिए तीन शेडेड लेयर कितनी अट्रैक्टिव लग रही हैं। इस ट्राई कलर केक को गर्मा गर्म चाय या कॉफी के साथ सर्व करिए, ये सभी को पसंद आएगा। आपको यह चोको ट्राई कलर केक कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर यह टी टाइम केक आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। साथ ही अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।